दिल्ली एनसीआर में बारिश से परेशानी हो रही है। गुरुग्राम और बदरपुर में सड़क पर पानी भरा हुआ है। पानी भरने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। आज सुबह बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। तस्वीरें हम आपको एक एक करके दिखाएंगे किस तरह से गुरुग्राम में बारिश के बाद जलजमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। अलग अलग इलाकों की अगर बात करें, गुरुग्राम और बदरपुर में सड़क पर पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। हालांकि मौसम सुहाना हुआ है, उमस भरी गर्मी से राहत लोगों को मिली है, लेकिन शनिवार की सुबह की शुरुआत देखिए किस तरह से हुई है। गुरुग्राम वासियों के लिए बेहद ही कठिन दिन, भारी परेशानियों का सामना यहां पर लोगों को करना पड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरों में हाईवे पर पानी भरा हुआ है, जाम की स्थिति देखने को मिल रही है। जो गाड़ियां हैं सड़कों पर जो निकली थी वो बीच में खड़ी हो गई है क्योंकि गाड़ियां बंद पड़ गई हैं, और ऐसे में लोगों के सामने ये सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर अब वो आगे कैसे जाए। और हम आपको दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर, द्वारका और गुरुग्राम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से आज सुबह यहां बारिश हुई, आधे घंटे में ही अंडरपास से लेकर सड़क पर पानी जमा होने लगा। ये अलग अलग तस्वीरें, पहली बदरपुर की तस्वीर जहां पर सड़क पर पानी भरा हुआ दिख रहा है। गुरुग्राम में देखिए एक्सप्रेस वे किस तरह से बेहाल है, सड़कों पर बीच सड़क पर भारी वाहन यहां पर अटक गए हैं। और द्वारका की तस्वीर देखिए, अंडरपास में भी पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग इलाकों में एक ही तरह की समस्या, एक ही तरह की परेशानी देखने को मिल रही है। जब भी बारिश होती है दिल्ली एनसीआर में इसी तरह के हालात देखने को मिलते हैं। पिछले दिनों भी बाढ़ जैसे हालात हो गए थे, यमुना का जलस्तर बढ़ गया था, और अब देखिए गुरुग्राम में किस तरह की ये तस्वीर देखने को आ रही है। एक तरफ दिल्ली में देखिए आफत की बारिश हुई है, कई इलाकों में जलभराव यहां पर हो गया है, लोगों का आना जाना यहां पर मुश्किल हो गया है। गुरुग्राम में बारिश से मुसीबत ये देखिए, जो लोग सड़कों पर गुजरने की कोशिश कर रहे हैं, पानी भरा हुआ है और इसी पानी से होकर वो गुजर रहे हैं। तो बाढ़ बारिश को लेकर जो बड़ा अपडेट है वो हम आपको बताते हैं कि आखिर किस तरह से दिल्ली एनसीआर में सुबह सुबह बारिश हुई और बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हुआ। गुरुग्राम में बारिश से जलभराव से परेशानी यहां पर देखने को मिल रही है, और सबसे बड़ी बात यह कि बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव हो गया है। एक तरफ राहत भरी बारिश और जो है गर्मी से यहां पर राहत मिली है, लेकिन गुरुग्राम में बारिश से जलभराव से परेशानी यहां पर हो रही है। हिमाचल प्रदेश में बारिश का अलर्ट घोषित किया गया है। अगले 48 घंटे में हल्की बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। 21 से 23 अगस्त तक 10 जिलों में भारी जो है बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। शिमला कांगड़ा में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।